उत्तराखंड के मोटरा खेड़ा पंचायत के राशन डीलर भंवरलाल पिता मोहनलाल शर्मा के खिलाफ फांदू की झोपड़िया निवासी नंदा पिता बज्जा गोजर ने शिकायत की। शिकायतकर्ता ने प्रार्थना पत्र में लिखा कि ऑनलाइन जानकारी करने से पता चला कि राशन डीलर ने शक्कर गेहूं और कई राशन कार्ड धारकों के फर्जी तरीके से उठा लिए, जिस आधार पर राशन सामग्री गेहूं शक्कर उठा लेने की शिकायत की। फांदू की झोंपड़िया निवासी राधेश्याम पिता नंदा गुजर उपखंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर रिपोर्ट दी, जिस पर नायब तहसीलदार बेनी प्रसाद डीलर की दुकान पर पहुंचकर निरीक्षण किया। डीलर की गेहूं की शिकायत पर गोदाम सीज कर दिया गया। गोदाम की चाबी मांगी तो उपलब्ध नहीं करवाई, जिस पर गोदाम को सील करना पड़ा। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने सरपंच पति के सामने संस्था को जीएसएस में परिवर्तित करने के लिए कहा। कार्यवाही के समय नायब तहसीलदार बेनी प्रसाद सरगरा गिरदावर दिनेश टेलर पटवारी भैरूलाल खटीक सरपंच पति और ग्रामीण उपस्थित थे।